खबर मंदसौर से। कृषि कानून के विरोध में मंदसौर में किसानों का प्रदर्शन। देश में चल रहे किसान आंदोलन की हलचल अब अलग अलग हिस्सों में दिखने लगी है। मंदसौर में भी किसान संगठनों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। इस दौरान मंदसौर गांधी चौराहे पर विभिन्न किसान संगठनों ने धरना देकर ज्ञापन सौंपा। इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली कूच किए हुए हैं। किसान आंदोलन के चलते कई हिस्सों की सड़कें जाम हैं। सरकार किसानों के साथ वार्ता कर आंदोलन को खत्म करने के प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक कोई सार्थक पहल सामने नहीं आई है, जिसके कारण किसान आंदोलन अब तक जारी है। बीते 10 दिनों से किसानों का आंदोलन दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भी जारी है। किसान आंदोलन का असर दिल्ली से चलकर अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी दिखने लगा है। मध्य प्रदेश में भी किसानों ने कृषि कानून को काला कानून बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है। खैर, कृषि अध्यादेश के आने के बाद से ही किसान कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बाद भी जब सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो अब किसानों का विरोध यहां भी तेज हो गया है। किसान यहां भी सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। शनिवार को मंदसौर के गांधी चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कहा कि अगर सरकार काला कानून वापस नहीं लेती है तो मंदसौर जिले में भी बड़ा किसान आंदोलन किया जाएगा। गांधी चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सांकेतिक फांसी लगाकर प्रदर्शन किया, वहीं कृषि अध्यादेश के पत्र की कॉपी भी जलाई। प्रदर्शन के मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? महेश व्यास, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मंदसौर। किन बातों को लेकर धरना दिया जा रहा है और क्या? जो केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं, जिनको हम काले कानून मानते हैं, उन्हीं को लेकर के आज हम लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा जो आज दिल्ली में जो हमारे किसानों को बुला करके जो मीटिंग की जा रही है, उसके समर्थन में आज हम यहाँ गांधी जी के सामने आज हमारा एक समर्थन में उनके समर्थन में प्रोटेस्ट है। क्या है आज किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है? आज अगर दिल्ली में जो अगर इस चीज़ का समाधान निकलता है और किसान के हित में, अन्नदाता के हित में अगर सरकार निर्णय लेती है, तो दिल्ली में और पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। और अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है, तो ये प्रोटेस्ट पूरे भारत में और पूरे मध्य प्रदेश में चलता रहेगा। क्या ये अजमनगन और काला कपड़ा क्या है? ये काला फंदा हमने इसलिए लटकाया है क्योंकि हम किसान हैं और जो 3 अध्यादेश आए हैं, ये 3 अध्यादेश, इनके अंदर ऐसी काली शाही से ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो किसान के गले में स्वतः ही फंदा लग जाएगा और किसान अपने खेत में ही मर जाएगा। क्योंकि जो 3 अध्यादेश है उसमें सरकार कह रही है कि मंडी बंद नहीं होगी। अरे, आप कह रहे हो कि कोई भी पैन कार्डधारी मंडी से बाहर खरीदी कर पाएगा, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो क्यों व्यापारी जो मंडी में जो व्यापारी खरीदी करते हैं वो टैक्स देकर मंडी में खरीदी करते हैं, तो क्या वो व्यापारी मंडी में टैक्स देकर खरीदी करेंगे? अगर वो भी मंडी से बाहर आकर खरीदी करेंगे तो स्वतः ही मंडियां बंद हो जाएगी, उसमें कबूतरें उड़ेगी। आज प्रदर्शन किया जा रहा है? बिल्कुल, आज जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा समर्थन है। और मोदी जी से हम कह रहे हैं कि आप बड़ा दिल दिखा करके, आज हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, बाकी आपने जिस प्रकार से जो हमारे पीठ पे जो कानून थोपे हैं, हम उनका बोझ उठा नहीं पा रहे हैं, और आप इस कानून को वापस लीजिए ताकि हम अपने आप को हल्का महसूस करें। और हम किसान हैं, हमको खेत में रहना चाहिए, हमको काम करना चाहिए, गांव में रहना चाहिए। आज हम दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं, सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है वहां पर के, और
नहीं होता तो फिर क्या आंदोलन रहेगा? बिल्कुल आंदोलन तो जारी रहेगा। आपका नाम? महेश व्यास, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान। देखिए आज पूरे भारत देश में जो है किसान जो है काले कानूनों को लेकर विरोध कर रहा है, और मध्य प्रदेश का किसान भी जो है दिल्ली पहुंच चुका है। बहुत सारे जिलों से जो है हमारे किसान दिल्ली जा चुके हैं, और मंदसौर जिले में भी जो है किसान जो है आज अगर हल नहीं निकलता है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और जो है इसकी जिम्मेदार भारत सरकार होगी यदि आज काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है। तो मध्य प्रदेश का किसान, यहाँ का कृषि मंत्री का यह कहना है कि मध्य प्रदेश में कोई हलचल नहीं है, यहाँ का किसान कुछ नहीं चाहता है, लेकिन मैं कृषि मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूँ कि मंदसौर जिले का किसान है, ये भारत का किसान है, ये किसी से कम नहीं है। यदि आज जो है हल नहीं निकलता है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ से जो है मंदसौर जिले से शुरुआत। आपका नाम? अमृत राम पाटीदार, किसान नेता बालागुड़ा। किसानों द्वारा ज्ञापन दिया है, किन बातों को लेकर दिया, क्या मांग? केंद्र सरकार द्वारा 3 कानून लागू किए हैं किसानों के संबंध में, उसके लिए आज किसानों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। क्या मुख्य मांगे हैं? कानून को वापस लेने के संबंध में कुछ सुझाव भी है उनके। आपका नाम और पता? नागेश पवार, नायब तहसीलदार मंदसौर। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाए और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को, और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप TV चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब, या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।